हेलो व्यूअर्स वेलकम टू कम्पीट आई क्यू योर गेट वे टू एग्जाम सक्सेस आज हम करने वाले हैं फेबररी मंथ का करंट अफेयर्स 2024 का हालांकि इस मंथ का करंट अफ़ेयर्स कराने में मुझे थोड़ा सा लेट हो गया है बट यस yes, हमने फेबररी मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे सभी को कवर किया है सभी एस्पेक्ट्स को टच किया है तो ये वीडियो आप लोगों को सभी आने वाले गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वर्ल्ड का फर्स्ट वैदिक क्लॉक कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है देन उज्जैन मध्य प्रदेश में इंस्टॉल किया गया है ऑप्शंस ऐसे भी आ सकते हैं कि कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है मध्य प्रदेश महाराष्ट्र इस तरीके से स्टेट्स का या तो फिर मध्य प्रदेश के चार डिस्ट्रिक्ट्स का नेम दे देगा वैसे भी आ सकता है सिंस उज्जैन फेमस डिस्ट्रिक्ट है बहुत ज़्यादा तो आप लोग याद रखना उज्जैन एम में वर्ल्ड का फर्स्ट वैदिक क्लॉक इंस्टॉल हुआ है अनवेल्ड कब किया गया मार्च फर्स्ट को किया गया है देन धर्म गार्जियन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर ये क्या है ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है किसके बीच में किया जाता है देन इंडिया एंड जापान के आर्मीज के बीच में किया जाता है धर्म गार्जियन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर जो था वो फिफ्थ एडिशन था इस बार राजस्थान में हुआ महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ तो इम्पोर्टेंट बनेगा सिंस इंडिया में ये एक्सरसाइज किया गया फिफ्थ एडिशन था एडिशंस पूछे जाते आप लोग याद रखना देन ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में इंडिया का रैंक कितना रहा है फोर्टी सेकेंड पोजिशन रहा है आउट ऑफ फिफ्टी फाइव कंट्रीज़ तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में हम लोगों का पोजिशन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है परसेंटेज कितना था थर्टी एट पॉइंट सिक्स फोर ये पूछा नहीं जाएगा बट पोजिशन पूछा जाएगा इट इज़ फोर्टी सेकेंड रैंक वन में कौन है यू एस ए ये इशू कौन करता है देन यू एस चेंबर ऑफ कॉमर्स ये ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स इशू करता है ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम्स में बनते हैं आप लोग याद रखना संगीत नाटक एकेडमी ये न्यूज़ में क्यों है इसीलिए कि संगीत नाटक एकेडमी का जो हाईएस्ट ऑनर है एकेडमी रत्न है जिनको एकेडमी रत्न है मिलता है वो होते हैं एकेडमी फेलो रिसेंटली सिक्स पर्सनैलिटीज़ को एकेडमी रत्न दिया गया है दैट इज़ सिक्स एकेडमी फेलोज हुए हैं ये संगीत नाटक एकेडमी किसके अंडर रन करता है देन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कब एस्टेब्लिश हुआ था ये डेट आप लोग कमेंट बॉक्स में मैंशन कीजिए आप लोगों के लिए होमवर्क है हम उन सिक्स पर्सनैलिटीज़ दैट इज एकेडमी रत्नस या तो फिर एकेडमी फेलोज को देख लेते हैं वो है विनायक खेरेकर जो हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट है देखिए संगीत नाटक एकेडमी एक हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकेलिस्ट को मिला दैट मीन्स ये क्वेश्चन एग्जाम में बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं क्लासिकल डांसर्स क्लासिकल म्यूजिक से एसोसिएटेड, इंस्ट्रूमेंट्स से एसोसिएटेड, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में बनते हैं आप लोग याद रखना विनायक खेरेकर एसोसिएटेड विद हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट आर विश्वेश्वरन कथक के लिए एक्सपोनेंट है कथककली डांस से एसोसिएटेड है सुनायाना हजारी लाल ओडिशी डांसर है राजा एंड राधा रेड्डी कुचिपुरी डांसर से ऐसे पूछा जा सकता है कि राजा रेड्डी किस डांस से एसोसिएटेड है या तो फिर राधा रेड्डी किस डांस से एसोसिएटेड है देन आंसर विल भी कुचीपुरी डांस देन दुलाल रॉय फॉक सिंगर है रिसर्चर है दीपी सिन्हा स्कॉलर एडमिनिस्ट्रेटर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये डांसर्स एंड वोकलिस्ट होते हैं इनका नेम आप लोग याद रखना एंड एसोसिएटेड डांसर्स या तो फिर इंस्ट्रूमेंट्स या तो फिर म्यूजिक जो भी है आप लोग याद रखना इंडियाज गगनयान मिशन एंड इज एस्ट्रोनॉट्स ये क्यों इम्पोर्ट न्यूज़ में है अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फोर पर्सनस का नेम अनवेल किया है जिन एस्ट्रोनॉट्स को गगनयान मिशन में सेंड किया जाएगा गगनयान मिशन बेसिकली एक ह्यूमन क्र्यू मिशन है जहाँ पे ह्यूमन्स को स्पेस में भेजा जाएगा टू तो एन ऑर्बिट और फोर हंड्रेड किलोमीटर इनको सेफली रिटर्न भी लिया जाएगा कौन सा व्हीकल यूज़ होगा जी एस एल वी एम के थ्री यूज होगा जिसको एल वी एम थ्री भी बोला जाता है वो फोर पर्सनस कौन कौन से हैं हम लोग नेम देख लेते हैं देखिए फेबर ट्वेंटी सेवन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में नरेंद्र मोदी जी दैट इज़ आवर प्राइम मिनिस्टर ने आइडेंटिफाई किया फोर इंडियन फोर्स पायलट्स को इनका नेम आप लोग याद रखना पूरे साल भर में न्यूज़ में रहेगा देन दे आर प्रशांत बालाकृष्ण नेर अजीत कृष्णन अंगद प्रताप एंड सुधांशु शुक्ला ये फोर पर्सनस हैं जिनको गगनयान मिशन में भेजा जाएगा ये मिशन के थोड़े डिटेल्स देख लेते हैं इनिशियली ये मिशन 2025 में टारगेटेड था बट अभी जो है बिफोर द एंड ऑफ 2024, फर्स्ट अनक्रीड टेस्ट फ्लाइट किया जाएगा स्पेसक्राफ्ट का अंट्री दैट मींस मैन नहीं भेजा जाएगा बट टेस्ट फ्लाइट किया जाएगा उस गगनयान का स्केस क्राफ्ट जो है उसको टेस्ट किया जाएगा बिफोर द एंड ऑफ 2024 एंड 2025 में ह्यूमंस को भेज दिया जाएगा एंड एक और इंपॉर्टेंट जो है व्योमित्रा ये क्या है एक फीमेल ह्यूमनऑयड है ह्यूमनॉयड मतलब रोबोट है ये बेसिकली जो फीमेल है एंड ह्यूमन uh, की जैसी दिखती है बिल्ड बाई इसरो न्यूज में है आप लोगों को पूछा सकता है व्हाट इज व्योमित्रा दैन इट इज़ अ फीमेल ह्यूमनॉइड और रोबोट बिल्ड बाय इसरो शी हैज़ बीन बिल्ड फॉर इसरोज़ फर्स्ट अनमेड गगनयान मिशन फर्स्ट अनमेंड गगनयान मिशन में जो अनक्रूड जाएगा उसमें व्योमित्रा को भेजा जाएगा उसके बाद क्रीड में उन फोर पर्सनैलिटीज़ को सुनील भारती मित्तल बिकम्स द फर्स्ट इंडियन सिटीजन टू बी कंफर्ड एन ऑनररी नाइटहुड बाय ब्रिटिश किंग तो एक ऑनररी नाइटहुड दिया गया है बाय ब्रिटिश किंग किसको ये फर्स्ट इंडियन सिटीजन है इंपॉर्टेंट बनेगा सुनील भारती मित्तल इनका नेम आप लोग याद रखना न्यू लोकपाल ऑफ इंडिया रिसेंटली इलेक्ट हुए हैं उनका नेम है ए एम खानवेलकर ये नेम आप लोग याद रखना हुई इज द न्यू लोकपाल ऑफ इंडिया देन जस्टिस ए एम खानवेलकर इंडियाज फर्स्ट सेप्टिंग टैंक क्लीनिंग रोबोट नेम्ड होमोसेप एटम होमोसेप एटोम क्या है इस तरीके से अगर क्वेश्चन बन सकता है आप लोग का आंसर होगा इंडिया का फर्स्ट सेप्टिक टैंक क्लीनिंग रोबोट है नेम क्या है देन होमोसेप एटोम किसने डेवलप किया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर एक स्टार्टअप है टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर ऑफ आईआईटी आई ने डेवलप किया है होमोसेप एटोम देन थ्री न्यू क्रिमिनल बिल्स जो है वो इफेक्टिव हो जाएंगे फ्रॉम जुलाई फर्स्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर बहुत ही ज्यादा न्यूज में था वो बिल्स कौन कौन से हैं देखिए तीन बिल्स जो है प्रीवियसली थे ब्रिटिश इंडिया से ये लागू थे जब ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये बिल्स लाया था उनको अभी रिप्लेस किया जाएगा जैसे कि आईपीसी 1860 का जो बिल था दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय भारतीय न्याय संहिता बिल 2023 तब ये एक्ट बन जाएगा आफ्टर जुलाई वन 2024 सीआरपीसी एक्ट जो है नाइनटीन का वो रिप्लेस किया जाएगा बाय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एंड इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 जो है वो रिप्लेस किया जाएगा बाय भारतीय साक्ष्य बिल 2023 अगर आप लोग एसएससी या तो फिर इसी टाइप के एग्ज़ाम्स देने वाले हैं दैन आप लोगों को बस नेम्स याद रखने से ही होगा इतने ज़्यादा इनके इनडेप प्रोविजन्स में जाने का जरूरत नहीं है बट येस फॉर यू पी या तो फिर अदर सिविल सर्विसज एग्जामिनेशन ऑफ कोर्स आपको थोड़ा इनडेप में इनके डिटेल्स को जानना पड़ेगा तभी उस तरीके से ही क्वेश्चन बनेंगे फिलहाल आप लोग इनके नेम्स को याद रखिए कौन सा बिल ने किसको रिप्लेस किया है कन्फ्यूज मत होइएगा एग्जाम्स में पूरे पूरे बनने के चांसेस हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है वेटरन सिंगर पंकज उधस पासिस अवे पंकज उधस कौन थे देन ये एक सिंगर थे गजल सिंगर थे आप लोग याद रखना इस तरीके से के सिंगर्स जो गजल या तो फिर कोई भी अदर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के साथ एसोसिएटेड होते हैं फेमस होते हैं तो उनको पूछा जाता है उनका प्लेस पूछा जाता है दैट इज़ वो कहाँ के रेसिडेंट है कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं इस तरीके से भी क्वेश्चन बनता है फिलहाल आप लोग नेम याद रखिए पंकज उदस एंड जो इनका स्टेट है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मैंशन कीजिए यह आपका आज का होमवर्क है सुदर्शन सेतु इंडियाज लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज कौन सा है देन सुदर्शन सेतु ये किसको लिंक करेगा देन बेट द्वारका आइलैंड जो गल्फ ऑफ कच्छ में लोकेटेड है टू मेन लैंड ऑफ ओखा ये दोनों प्लेसेस को लिंक करेगा सुदर्शन सेतु क्या है इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज है इंपॉर्टेंट बनेगा टू पॉइंट थ्री टू किलोमीटर्स का है ये इनोग्रेट किया गया है बाय पी मोदी आजकल इनोग्रेशन का भी क्वेश्चन बनता है किसने इनोग्रेट किया इस ब्रिज को देन इनोग्रेटेड बाई आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ऑन ट्वेंटी फिफ्थ फेबरवरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनागोरेटेड भारत टेक्स 2024 थाउजेंड के क्वेश्चंस बनते हैं तो आप लोग याद रखना भारत टेक्स 2024 किसने इनोग्रेट किया नरेंद्र मोदी जी ने इनागरेट किया और प्राइम मिनिस्टर कहाँ पे है ये देन भारत मंडपम जो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है वहाँ पे है भारत टैक्स 2024 एक्चुअल में है क्या देन ये सबसे लार्जेस्ट एवर ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट्स है जो इंडिया में ऑर्गेनाइज हुए हैं एंड इसमें फ्रॉम हंड्रेड कंट्रीज से भी ज़्यादा कंट्रीज पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो इंपॉर्टेंट बनेगा आप लोग याद रखना ऑडिशियस फर्स्ट यूएस बिल्ड स्पेस क्राफ्ट टू लैंड ऑन द मून ऑडिशियस क्या है ऑडिशियस जो है ये एक स्पेस क्राफ्ट है जो प्राइवेट कंपनी ने बिल्ड किया है यूएस बेस्ड है एंड उस कंपनी का नेम क्या है देन इंटिटिव मशीन्स आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि ऑडिशियस क्या है देन इट इज़ अ स्पेस क्राफ्ट यूएस बिल्ड स्पेस क्राफ्ट किसने बिल्ड किया है इन टूटिंग मशीन्स आफ्टर अपोलो इट इज़ अनदर फर्स्ट एंड फर्स्ट मून लैंडिंग बाय अ प्राइवेट कंपनी अपोलो सेवनटीन के बाद अपोलो सेवनटीन कब लैंड किया था देन नाइनटीन सेवेंटी टू को ये भी पॉइंट अभी सिंस ये न्यूज़ में है तो आपको स्टेटिक पोर्शन से अपोलो सेवनटीन के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब आप लोग थोड़ा याद रखना राइसीना डायलॉग टू हम सभी को पता है रायसेना डायलॉग कहाँ पे होता है न्यू दिल्ली में होता है इस बार रायसेना डायलॉग का नाइन्थ एडिशन था कब से कब तक हुआ से 23 डेट इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा लेकिन एडिशन इंपॉर्टेंट बनेगा नाइन्थ एडिशन था इस बार ये आप लोग याद रखना रायसीना डायलॉग बेसिकली क्या होता है जियो पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स के जो इंपॉर्टेंट मैटर्स है वो इस एनुअल कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किया जाता है इस बार का चीफ गेस्ट कौन था देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रीस मिनिस्टर किरियाकोस स्मिथ्सोटेकि ये ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर है हेलेनिक रिपब्लिक ग्रीस दैट इज ये प्राइम मिनिस्टर है हमारे चीफ गेस्ट इस बार रायसिना डायलॉग के एंड राइसीना डायलॉग का थीम क्या था चतुरंगा दैट इज फोर्सेस क्या क्या है फोर्सेस में कॉन्फ्लिक्ट कॉन्टेस्ट कोऑपरेट एंड क्रिएट ये इंपॉर्टेंट बनेगा आप लोग याद रखना रायसना डायलॉग से क्वेश्चन बनते हैं गवर्नमेंट ने अलाउ किया है 100 परसेंट फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन स्पेस सेक्टर ये भी अभी न्यूज़ में है आप लोग याद रखना गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्पेस सेक्टर में हंड्रेड परसेंट किया जा सकता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इस बार कितना एडिशन था देन फोर्थ एडिशन था कहाँ पे बिगिन हुआ गुवाहाटी में बिगिन हुआ इस बार सेवन स्टेट्स थे होस्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के कब से कब तक तो हुआ सेवनटीन टू ट्वेंटी नाइन फेब हुआ था एडिशन इंपॉर्टेंट बनेगा फोर्थ सेवन स्टेट्स जो थे वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स थे आसाम अरुणाचल प्रदेश मेघालय मिजोरम नागालैंड सिक्किम एंड त्रिपुरा ये भी आपसे पूछा जा सकता है कौन कौन से आपको दे देगा कि कौन से स्टेट इसमें से इंक्लूडेड नहीं है एंड कोई नॉर्दर्न स्टेट या तो फिर साउदर्न स्टेट दे, दे देगा देन आप लोगों को करेक्ट आंसर मार्क करना है ओनली नॉर्थ ईस्टर्न के सेवन स्टेट्स फॉलोइंग आपको इस बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होस्ट किया है रैंक वन में किसने जीता देन चंडीगढ़ गॉट रैंक वन इन दिस गेम्स विनर रहा है चंडीगढ़ ट्वेल्थ एडिशन ऑफ मिलन 2024 मिलन क्या है ये एक नेवल एक्सरसाइज है बहुत सारे कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इस बार कहाँ पे हुआ विशाखापट्टनम में तो इंपॉर्टेंट बनेगा एडिशन याद रखना ट्वेल्थ एडिशन लार्जेस्ट मल्टीनेशनल नेशनल लेवल एक्सरसाइज है इंडियन नेवी का कब से कब हुआ था देन ट्वेंटी फर्स्ट फेब टू डेट इंपॉर्टेंट नहीं है प्लेस एंड एडिशन आप लोग याद रखना हो जाएगा फिफ्टी एट ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया रिसेंटली टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री का किसको मिला है देन टू पर्सनैलिटीज़ को मिला है वन है पोएट गुलजर एंड अनदर संस्कृत स्कॉलर जगत गुरु रामभद्राचार्य इन इन दोनों को फिफ्टी एट ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है फिफ्टी सेवन्थ किसको मिला था दामोदर मौजो को मिला था गोवा के राइटर थे कौनकनी राइटर गोवा से बिलोंग करते थे एंड फर्स्ट विनर कौन थे ज्ञानपीठ अवार्ड के देन जी शंकर कुरुप मलयालम राइटर थे ये भी स्थेटिक पार्ट में इंपॉर्टेंट बनते हैं पूछा जाता है आप लोग याद रखना इनसेट थ्री डीज इनसेट थ्री डीज क्या है इनसेट थ्री डीज एक मेट्रोलॉजिकल वेदर सैटेलाइट है ये लॉन्च तो किस व्हीकल ने किया देन जियो लॉन्च व्हीकल जीएसएल ने किया तो इनसेट थ्री डी क्या है पूछा जा सकता है ये एक वेदर सैटेलाइट है या तो फिर मेट्रोलॉजिकल मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है एंड व्हीकल भी कभी कभार पूछा जाता है देन जियो लॉन्च व्हीकल बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप टाइटल 2024 रिसेंटली बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप हुआ था पे हुआ था देन मलेशिया में होस्ट मलेशिया था होस्ट कंट्री इंडियन टीम ने फर्स्ट एवर बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का टाइटल विन किया है फाइनल मैच हुआ था इंडिया एंड थाईलैंड के बीच में जिसमें इंडिया जीत गया थाईलैंड को हरा के तो रनर अप कौन थाईलैंड एंड विनर इंडिया आरबीआई ने एक्सटेंड किया है डेडलाइन फॉर पेटीएम पेमेंट्स बैंक सर्विस टू मार्च फिफ्टीन 2024 पहले ये मार्च फर्स्ट और फेबर ट्वेंटी तक था देन अभी एक्सटेंड कर दिया गया है टिल मार्च फिफ्टीन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर पेमेंट बैंक बहुत न्यूज़ में है आप लोग याद रखना पेटीएम पेमेंट बैंक का जो कंपनी है जो ऑपरेट करता है उसका नेम क्या है देन 197 कम्युनिकेशन इस बार इस इसपे क्वेश्चन बनने के चांसेस है इलेक्ट्रल बोन्स ये क्यों न्यूज में है देन इलेक्ट्रल बोन्स जो है रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक दिया ऑन फिफ्टीन फेब्रवरी की इलेक्ट्रल बोन्स वायलेट करता है राइट टू इंफॉमेसन राइट टू इंफॉर्मेशन किस आर्टिकल के अंडर है दैन आर्टिकल नाइन्टीन सबसेक्शन वन सबसे ये आर्टिकल इस बार बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा आर्टिकल नाइनटीन फंडामेंटल राइट के अंदर आता है इम्पॉर्टेंट है ये राइट टू इफॉर्मेशन को वाइलेट करता है सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है तो इंपॉर्टेंट बनेगा आर्टिकल एंड राइट टू इन्फॉर्मेशन याद रखना उसके बाद इलेक्ट्रल बोन्स क्या होते हैं पकड़ लीजिए कोई भी एक इंडिया का बड़ा सा बिजनेसमैन है वो अगर किसी भी पार्टी को भी इट बीजेपी कांग्रेस इंडियन ट्रिब्यूनल कांग्रेस आम आदमी पार्टी किसी को भी वो डोनेट करना चाहेंगे देन वो जाके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में डोनेट कर सकते हैं एंड उस डोनेशन को एस इलेक्ट्रल बॉन्ड्स जो पार्टी को जिस पार्टी को उन्होंने डोनेट किया है वो पार्टी वहाँ से विदड्रॉ कर लेगा वो अमाउंट एस पार एस इलेक्ट्रल बॉन्ड्स एंड लेकिन जब फिफ्टीन डेज तक विद्रॉ नहीं करेगा तो वो पी एम फंड में चला जाएगा पी एम केयर फंड में चला जाएगा अगर लेकिन विद्रो तो कर ही लेगा हाल ही लेकिन जिसने डोनेट किया है उनका नेम मैंशन नहीं रहेगा उन इलेक्ट्रल बोन्स में जिस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है इट इज़ अ वायोलेशन ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन इसीलिए लिए इलेक्ट्रल बोन्स इतना न्यूज़ में है आई होप आप लोगों को इलेक्ट्रल बोन्स क्या है समझ आया होगा उसके बाद फाइव बेंच का जज बैठा था जिन्होंने ये वर्डिक दिया अंडर आर्टिकल नाइनटीन सबसेक्शन वन सबसेक्शन ए कि ये वायलेट करता है क्या देन राइट टू इंफॉर्मेशन वन नेशन वन स्टूडेंट आई डी ये क्या है वन नेशंस वन स्टूडेंट आई डी के अंदर ये एक इनिशिएटिव है जिसमें ईच स्टूडेंट को एक लाइफ लॉन्ग अपर आई डी जनरेट करना होगा ना अपर आई डी क्या है अपर आई डी का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री ये फुल फॉर्म इस बार पूछा जाने का चांसेस है आप लोग याद रखना इससे स्कूल्स गवर्नमेंट्स या तो फिर कोई भी हो लर्नर्स उनके लिए इजी हो जाएगा अपने एकेडमिक प्रोग्रेस को फ्रॉम प्री प्राइमरी एजुकेशन टू हायर एजुकेशन तक अपने एकेडमिक प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए इजी हो जाएगा देखिए बहुत लोगों का ऐसा होता है कि नर्सरी के जी के रिपोर्ट कार्ड्स नहीं होते हैं वन टू के रिपोर्ट कार्ड्स नहीं होते हैं खो जाते हैं तो अगर ये अपार दैट इज़ ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री ओपन कर लेगा देन उनके सारे एकेडमिक प्रोग्रेस वहाँ पर मिल जाएगा आप लोगों को स्टोर्ड तो आप लोग ट्रैक कर सकते हैं कभी भी तो ईजी हो जाएगा ये है अपार फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एन एयरपोर्ट कौन से एयरपोर्ट में फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एस्टेब्लिश किया गया है देन कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बी के कोलाबोरेशन के साथ फॉर वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एट एयरपोर्ट प्रमाइसिस कौन सा एयरपोर्ट में देन कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट याद रखना पीएम मोदी इनोगेट बब्स मंदिर बब्स मंदिर किसने इनोग्रेट किया है पीएम मोदी ने कहाँ पे है अबूधाबी में ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये फर्स्ट हिंदू टेंपल है इन अबूधाबी इनागरेटेड बाई पी एम मोदी बब्स मंदिर याद रखना वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 थाउजेंड ट्वेंटी कहाँ पर हुआ था वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट देन दुबई में हुआ था इसमें किस किस ने था गेस्ट ऑफ ऑनर देन तुर्की एंड कटार अलॉन्ग विद इंडिया हैव बिन नेम्ड गेस्ट ऑफ ऑनर एट द टू वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो हो रहा था दुबई में दुबई के एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ को हम कवर करते हैं कि वर्ल्ड का फर्स्ट एयर टैक्सी एयर टैक्सी हवा में उड़ने वाला टैक्सी कहाँ पे है फर्स्ट वर्ल्ड का दुबई में अलहन मोदी डी एस इवेंट अलहन मोदी क्या है ये एक डी इवेंट है इवेंट कहाँ पर हल हुआ है अबू धाबी में आप लोग याद रखना प्लेस इंपॉर्टेंट बनेगा अलहन मोदी ये एक डी इवेंट है कहाँ पे देन अबू धाबी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ये क्या है then इस मुफ्त बिजली योजना इस स्कीम के अंडर सब्सिडी दिया जाएगा टू इंस्टॉल सोलर पैनल्स का किसको? then देन हाउस होल्ड्स को दिया जाएगा इसमें फोर्टी परसेंट कोस्ट जो है सोलर पैनल्स का वो सब्सिडी के रूप में गवर्नमेंट से दिया जाएगा एंड एक्सपेक्ट किया जा रहा है इसके अंडर कि वन करोड़ हाउस होल्ड्स को अक्रॉस इंडिया सोलर पैनल्स बिठाए जाएंगे उनके रूफटॉप्स में ताकि इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कम हो सके एंड फ्री इलेक्ट्रिसिटी ओवर दी कंट्री प्रोवाइड किया जा सके कटार हैज़ रिलीज एट फॉर्मर इंडियन नेवी पर्सनल हुए डिटेन इन गल्फ कंट्री और एसपीएनए चार्जेस देखिए पहले देशद्रोही के चार्जेस में एट इंडियन नेवी पर्सनल को अरेस्ट किया गया था या तो फिर रिटेन किया गया था रिटेन किया गया था एट वेयर कटार देन कटार से अभी रिसेंटली वो एट पर्सन रिलीज हुए हैं तो यही इंपॉर्टेंट है देखिए इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस के वजह से ये सब पॉसिबल हो रहा है ये न्यूज़ में है तो आप लोग याद रखना कटार का कैपिटल क्या है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए जब भी कोई कंट्री न्यूज़ में होता है उसका कैपिटल आने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है एग्जामिनेशंस में तो आप लोग ये सब थोड़ा ध्यान दीजिए ऑस्ट्रेलिया वन दी अंडर नाइनटीन मैंस ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप टू बीटिंग इंडिया बाई सेवेंटी रन इन दी फाइनल ये पिछला वाला जो आईसीसी ओडिया वर्ल्ड कप था वो भी ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा के जीत लिया था इस बार जो मेंस अंडर 19 ओडियाई क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो भी ऑस्ट्रेलिया जीता है इंडिया को हरा के बाय 79 नाइन रंस इन फाइनल न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर ये कहाँ पे होने वाला है देन प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में होने वाला है कब से कब तक टेंथ टू एटीन फेब्रवरी ऑलरेडी हो चुका है आप लोग याद रखना कहाँ पर हुआ देन प्रगति मैदान न्यू दिल्ली पूछा जाता है स्पेसिफिक प्लेसेस को भारत रत्न 2024 इस बार फाइव पर्सनालिटीज को भारत रत्न दिया गया है कर्पूरी ठाकुर एल के आडवानी पी वी नरसिम्हा राव चरण सिंह एन एम एस स्वामीनाथन ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है इनके अचीवमेंट्स आप लोग याद रखना इस बार हाईएस्ट नंबर ऑफ भारत रत्न दिया गया है एंड इससे पहले फ़ोर भारत रत्न दिए गए थे जो हाईएस्ट था लेकिन इस बार फाइव सबसे हाईएस्ट भारत रत्न दिए गए हैं पर्सनैलिटीज इंपॉर्टेंट बनेंगे आप लोग इनके अचीवमेंट्स को याद रखना लाइक पीवी वी नरसिम्हा राव जी के टाइम पे 1991 का एलपीजी पॉलिसी आया था चौधरी तो चरण सिंह जी का जो बड़ियल है वो किसान घाट कहा जाता है एम एस स्वामीनाथन ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया ये सब आप लोग याद रखना कर्पूरी ठाकुर जी बिहार से बिलोंग करते हैं आप लोग याद रखना पूछा जाएगा आदि महोत्सव 2024 थाउजेंड पे होने वाला है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम न्यू दिल्ली में होने वाला है कब से कब तक दिन 10 टू 18 फरवरी होने वाला है ये क्या है एक नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल है जो 2024 का ये किसने ऑर्गेनाइज किया है ऑर्गेनाइजर का नेम है ट्राइफेड दैट इज ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ये किसके अंडर आते हैं ट्राइफेड ट्राईफेड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर सेफ अंडर 19 वैम्पियनशिप चैंपियनशिप 2024 कहा किसने जीता है देन uh, कुछ ड्रॉ uh, हुआ था जिस वजह से बांग्लादेश एंड इंडिया दोनों को सेफ अंडर 19 वुमेन्स चैंपियनशिप के विनर डिक्लेयर कर दिया गया है सेफ अंडर 19 वुमेन्स चैंपियनशिप जो इस बार हुआ था ढाका में हुआ था जिसमें विनर कौन है बोथ इंडिया एज वेल एज बांग्लादेश सेफ का फुल फॉर्म साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन फ्री मूवमेंट रिजाइम बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार इंडिया एंड म्यांमार के बीच में फ्री मूवमेंट रिजाइम था अब तक दैट इज़ ये जो इंडिया एंड म्यांमार का बॉर्डर है फॉर एग्जांपल दैन यहाँ से 16 किलोमीटर तक म्यांमार एंड इंडिया के जो रेसिडेंट्स हैं एक दूसरे के टेरिटरी में विदाउट डॉक्यूमेंट्स ट्रेवल कर सकते थे एंड इंडिया म्यांमार का बॉर्डर इसीलिए इस बार इम्पॉर्टेंट बन जाएगा कितना लॉन्ग किलोमीटर है देन 1643 किलोमीटर का इंडिया म्यांमार बॉर्डर है ये आप लोग याद रखना फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कितने किलोमीटर्स तक पहले अलाउ किया जाता था दैन 16 किलोमीटर्स में तक रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि उस पूरे बॉर्डर को फेंसिंग कर दिया जाएगा तो इसी लिए न्यूज़ में है आप लोग बॉर्डर का लेंथ याद रखना प्राइम मिनिस्टर ऑफ गोयाना मार्क फ़िलिप्स इज़ ऑन अ डे ऑफिशियल विजिट टू इंडिया देखिए कोई भी फॉरेन मिनिस्टर जब इंडिया को विजिट करते हैं तो वो इम्पोर्टेंट बन जाते हैं आपका ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ गोयाना और हुई इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ गोयाना देन मार्क फिलिप्स इज द करेक्ट आंसर गवर्नमेंट प्लान टू इंट्रोड्यूस सेटेलाइट बेस्ड जी पी एस टोल कलेक्शन सिस्टम और नेशनल हाईवेज़ ये क्या होगा गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि इस बार से सेटेलाइट बेस्ड जी पी एस टोल कलेक्शन सिस्टम नेशनल हाईवेज़ में बिठाया जाएगा हालांकि अब तक बिठाया नहीं गया है लेकिन आप जल्दी ये बिठाया जाएगा कहीं कहीं पर ट्रायल्स दिए गए हैं जिससे क्या होगा कि अगर आपने हंड्रेड किलोमीटर ट्रैवल किया है तो आपको किलोमीटर का ही टोल फीस पे करना है अगर आपने 500 किलोमीटर किया है उतना ही फीस पे करना है आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होंगे जिससे टोल फीस बहुत ज़्यादा डिडक्ट हो जाएंगे कवर्ड बाय दी व्हीकल्स दी पब्लिक एग्जामिनेशन बिल प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024 ये क्या है ये बिल जो है बेसिकली कोई अगर पार्टी अनफेयर मींस यूज़ करता है पब्लिक एग्जामिनेशन में जिसमें डिफरेंट एग्जामिनेशन इंक्लूड होंगे लाइक यू पी एस सी एस एस सी वैंक बताऊँगी कौन कौन से एग्जाम्स इंक्लूड होंगे देन उनको पनिशमेंट दिया जाएगा जिसमें थ्री टू फाइव ईयर्स का जेल होगा या तो फिर आपको टू टेन लैख रुपीज़ का फाइन होगा ये कॉग्निजेबल नॉन अवेलेबल एंड नॉन कम्फोर्टेबल बिल है ये तीनों पॉइंट्स आप लोग याद रखना देन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन फाउंड हुआ इस क्राइम में देन उनको जो जेल होगा वो अप टू टेन ईयर्स का हो सकता है एज वेल एज फाइन ऑफ अप टू रुपीज वन करोड़ हावेवर उस टाइम पे जिस अगर कोई एग्ज़ाम हो रहा है फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एग्ज़ाम दिया उसमें अनफेयर मीन्स यूज़ किया गया था बाय अथॉरिटीज़ और ऑर्गेनाइजेशन और वॉट एवर इट में भी देन जो कैंडिडेट्स अपेयर होंगे एग्जाम के लिए वो लोग इस आ, बिल के अंडर नहीं आएंगे उन लोग का अरेस्ट नहीं किया जाएगा बट हु यूज़ दो अनफेयर मीन्स उनको अरेस्ट किया जाएगा एग्जामिनेशन कौन कौन से हैं देन यू पी एस सी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इजबीबी आई बी पी एस बैंक के एग्जाम्स देन एन टी ए के अंडर जो एग्जाम्स होते हैं लाइक जेडबल ई नीट सी यू टी ये सभी कवर होंगे गवर्नमेंट लॉन्च्ड भारत राइस एट सब्सिडाइज रेट भारत राइस गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया है पैक्स कितने कितने के अवेलेबल होंगे फाइव के जी एंड टेन के जी के बैग्स अवेलेबल होंगे कितना है रेट देन ट्वेंटी नाइन रुपीज़ पर के जी एक के जी का ट्वेंटी नाइन रुपीज़ में आपको गव भारत राइस मिलेगा एंड इसका पैक कितना कितना का होगा फाइव के जी एंड टेन के जी के पैकेट्स हैं सिक्सटी सिक्स एनअल ग्रामी एवॉर्ड्स ये क्यों न्यूज में है कहाँ पे होता है देन सबसे पहले यू एस में ये होता है इस बार शक्ति जो एक फ्यूजन म्यूजिक ग्रुप है इसको ग्रैमी अवार्ड्स मिला है जिसमें कौन कौन थे देन तबला प्लेयर या तो फिर तबला मेस्टर जिनको कहा जाता है डॉक्टर जाकिर हुसैन एंड सिंगर शंकर महादेवन जी इन दोनों को डुओ मिला है फॉर देयर फ्यूशन म्यूजिक ग्रुप शक्ति सिक्सटी सिक्स ग्रामी एवर्ड एंड ग्रैमी अवार्ड इस बार कौन सा था देन सिक्सटी सिक्स ये भी याद रखना एडिशन पूछा जाता है फॉर बेस्ट ग्लोबल एल्बम दिस मोमेंट देन ये एल्बम का नेम क्या था दिस मोमेंट एंड जाकिर हुसैन जी को एक और एडिशनल मिला है टू मोर ग्रैमीज़ एस एट द सेरेमनी एडिशनल पेयर ऑफ विक्ट्रीज़ के लिए ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है जाकिर हुसैन जी को एक मिला है ग्लोबल परफॉर्मेंस विथ पेस्टो के लिए एंड अनदर जो दूसरा मिला है वो है कंटेम्प्रेरी इंस्ट्रूमेंटल एल्बम एस वी स्पीक के लिए एंड ऑल्सो ये एल्बम किस को फीचर करता है देन राकेश चौरसिया फ्लूट प्लेयर को भी फीचर करता है ये भी नेम आप लोग याद रखना राकेश चौरासिया किससे एसोसिएटेड है दैन फ्लूट ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं जब न्यूज़ में रहते ये पर्सनैलिटीज़ ज़्यादा थे बनने का चांसेस है थर्टी सेवन सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला ये कहाँ पे होता है देन सूरजकुंड हरियाणा में होता है इस बार पार्टनर नेशन कौन होगा देन तंजनिया विल बी पार्टनर नेशन एंड कौन है थीम स्टेट देन गुजरात इज द थीम स्टेट थर्टी सेवेंथ एडिशन है एडिशन याद रखना पूछा जाता है कहाँ पे होता है देन हरियाणा सिक्स एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स खेलो इंडिया यूथ गेम्स का इस बार कितना एडिशन था देन सिक्स एडिशन कहाँ पे हुआ तमिलनाडु में हुआ इस बार का विनर कौन रहा है महाराष्ट्र रहा है विथ 57 गोल्ड 48 सिल्वर एंड 53 थ्री इस बार का जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मैस्कट था वो था वीरा मंगल ये सभी पॉइंट्स याद रखना पूछे जाते हैं एग्जाम्स में लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 रिलीज कर दिया गया है रिसेंटली इन दी मंथ ऑफ फेबर इंडिया का रैंक कितना रहा है देन थर्टी रहा है आउट ऑफ वन कंट्रीज ये आ, रिपोर्ट में सबसे टॉप जिसने किया है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में देन सिंगापुर ने फर्स्ट रैंक हासिल किया है सेकंड में है फिनलैंड थर्ड में है जर्मनी एंड इंडिया का रैंक कितना है देन 38 टाटा ट्रस्ट टू इनाग्रेट इंडिया फर्स्ट स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल इन मुंबई टाटा ट्रस्ट देखिए बहुत अच्छे काम करते रहते हैं रतन टाटा जी इस बार इन्होंने इंडिया का फर्स्ट स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल इनोग्रेट किया है कहाँ पे देन इन मुंबई ये इंपॉर्टेंट बनेगा आप लोग याद रखना ट्राई एक्सरसाइज दोस्ती सिक्सटीन दोस्ती सिक्सटीन एक ट्राई एक्सरसाइज है किस किस के बीच में होता है देन इंडिया श्रीलंका एंड मलदीव्स के बीच में होता है मलदीव्स इंडिया का रिलेशन रिसेंटली बहुत कड़वा होता जा रहा है तो न्यूज़ में है इसी वजह से ये पूछा भी जा सकता है कितना एडिशन था सिक्सटीन एडिशन था ये आप लोग याद रखना कहाँ पे हुआ था इस बार मलदीव्स में हुआ था दादा साहेब फाल्के अवार्ड रिसेंटली दिया गया है 2024 का जिसमें बेस्ट एक्टर किसको मिला है नैन शाहरुख खान बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी शाहरुख खान जी को मिला है फॉर हिज मूवी जवान रानी मुखर्जी को मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मिला है बेस्ट फिल्म जो रहा है इस बार दादा साहेब फाल्के अवार्ड टू जिसको मिला है वो है जवान मूवी एंड डरेक्टर जो है बेस्ट डायरेक्टर वो है संदीप रेड्डी वंगा एनिमल मूवी के लिए ये सभी आप लोग याद रखना पूछा जाता है सेवेंटी सेवन्थ ब्रिटिश अकेडेमी फिल्म अवार्ड्स जो बाफ्टा अवार्ड्स जिसको कहा जाता है वो इस बार दिया गया है बेस्ट फिल्म कौन है देन ओपन हेमर बहुत ज़्यादा फेम फेवरेट मूवी है बहुत लोगों का एंड बहुत ज़्यादा हिट भी हुआ है आप लोग याद रखना बाफ्टा अवार्ड्स टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर का किसको मिला ओपन हेमर का एडिशन कितना था सेवनटी सेवंथ अहमद अवध बिन मुबारक ये है कौन देन यमन के न्यू प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं नेम क्या है अहमद अवध बिन मुबारक गूगल रिब्रांडेड इट्स चैटबोर्ड फ्रॉम बार्ड टू जेमिनी गूगल का जो चैटबोर्ड था ए आई चैट उसका नेम क्या था देन बार्ड था उसको रीनेम करके जेमिनी कर दिया गया है पेस मिशन कौन लॉन्च किया है देन नासा ने लॉन्च किया है पेस मिशन का फुल फॉर्म क्या है प्लैंकटॉन एरोसल क्लाउड ओशियन इको इस मिशन का फुल फॉर्म है uh, ये मिशन लॉन्च किया गया है टू बेसिकली स्टडी द ओशन एंड द एटमोस्फेयर लॉन्च बाय नासा ये आप लोग याद रखना फोर्टी फिफ्थ चेस्ट ओलम्पियाड कहाँ पर हुआ बुद्ध हंगरी में हुआ एडिशन कितना था फोर्टी फिफ्थ था काजी नेमू काजी नेमू अभी रिसेंटली न्यूज में है इसे आसाम का स्टेट फ्रूट डिक्लेयर कर दिया गया है एंड ये क्या है ये बेसिकली एक लेमन का वैरायटी है जिसको आसाम में काजी नेमू कहा जाता है काजी निम्बू स्टेट का रिसेंटली स्टेट फ्रूट डिक्लेयर हुआ है अगर ऐसा क्वेश्चन आए देन करेक्ट आंसर विल भी आसाम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी ये अभी न्यूज़ में है रिसेंटली जापान नीचे चला गया है वन वन स्टेप जर्मनी ने ओवरटेक किया है जापान को एंड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है इंडिया कितना इंडिया का पोजीशन कितना है देन इंडिया इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट में है यूएस सेकंड में है चाइना रिसेंटली जर्मनी ने जापान को ओवरटेक किया है इसीलिए इंपॉर्टेंट है न्यूज़ में है तो फोर्थ कौन है जापान एंड फिफ्थ है इंडिया शायद ही कुछ सालों में ज, आ, इंडिया जापान को ओवरटेक कर देगा तो इसीलिए भी ये इंपॉर्टेंट बनता है नाइन्थ गॉफ टेक प्राइस फॉर इट्स ए आई पावर रोड सेफ्टी इनिशिएटिव एंड दी गवर्नमेंट वर्ल्ड गवर्नमेंट सबमिट टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर किस को मिला देन इंडिया को मिला क्या है प्राइज़ का नेम वर्ल्ड गवर्नमेंट सबमिट में दिया गया है गॉफटेक प्राइस किस वजह से मिला है ए आई पावर रोड सेफ्टी इनिशिएटिव के लिए एंड कितना था एडिशन देन नाइन्थ था एडिशन नीति आयोग लॉन्चेस ग्रीनिंग इंडिया वेस्टलैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री ग्रो रिपोर्ट एंड पोर्टल ग्रो क्या है ये एक रिपोर्ट भी है पोर्टल भी है किसने लॉन्च किया है नीति आयोग ने फुल फॉर्म क्या है ग्रीनिंग इंडिया वेस्टलैंड विथ एग्रो फोरेस्ट्री फुल फॉर्म आप लोग याद रखना पूछा जा सकता है लॉन्च बाय नीति आयोग चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईआरसीटीसी रिसेंटली मिस्टर संजय कुमार जैन को आईआरसीटीसी का चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया है तो न्यूज में है आप लोग याद रखना इनका नेम संजय कुमार जैन हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 रिसेंटली पब्लिश हुआ है इंडिया का पोजीशन कितना है दैन एट्टी फिफ्थ पोजिशन है आउट ऑफ 199 कंट्रीज़ एवरेज में है इंडिया का कितना कंट्रीज़ एक्सेस करता है वीज़ा फ्री इंडिया कितने इंडियन सिटीजनस कितने कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री एक्सेस है दैन सिक्सटी टू कंट्रीज़ इंडिया को विदाउट वीज़ा ट्रैवल करने का एक्सेस देता है ये भी इंपॉर्टेंट है इसी के बेसिस पे हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स बनाया जाता है इंडिया का पोजिशन याद रखना आप लोग एट्टी एंड कितने कंट्रीज़ वीज़ा फ़्री एक्सेस है इंडिया का दैन सिक्सटी श्री धर्मेंद्र प्रधान इनोग्रेट फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर ऑफ द कंट्री एट ओडिशा फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर किसने इनोग्रेट किया देन श्री धर्मेंद्र प्रधान ये कौन है ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ़ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड ऑन्ट्रप्रनरशिप है कहाँ पे एस ये इनोग्रेट किया देन ओडिशा में चेविलर द लीजन अवार्ड ये क्या है देन ये फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है रिसेंटली शशि थरूर जी को फॉर हिज आउटस्टैंडिंग करियर ये अवार्ड दिया गया है तो आप लोग ये अवार्ड का नेम याद रखना फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है अवार्डेड टू शशि थरूर प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिसेंटली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ है न्यूली लेबनिस के हैं लेबन के हैं लेबनिस जज नवाफ सलीम ये इनका नेम है नवाफ सलम थ्री इयर्स के लिए ये इलेक्ट हुए हैं यूएस जज थे इसके पहले जॉन डोंगे इनको सक्सेस किया है सक्सीड किया है नवाब शलेम ने जो लेबनन के रेसिडेंट है प्राइम मिनिस्टर लेडी फाउंडेशन स्टोन ऑफ हिंदू पिलग्रिमेज साइट श्री कलकी धाम टेम्पल इन संभल यूपी तो श्री कलकी धाम टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं देन इट विल करेक्ट आंसर विल बी संभल यूपी या तो फिर श्री कलकी धाम टेम्पल जो रिसेंटली न्यूज़ में रहा है किसने इनोग्रेट किया है या तो फिर किसने फाउंडेशन स्टोन ले किया है देन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बन रहे हैं आजकल एग्जाम्स में तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इंटरनेशनल गीता महोत्सव इंटरनेशनल गीता महोत्सव क्या है ये एक थ्री डे महोत्सव है जो कहाँ पे हुआ कोलम्बो श्रीलंका में हुआ ये थ्री डे का फेस्टिवल स्टार्ट हुआ था फ्रॉम मार्च वन तो आप लोग याद रखना प्लेस इंपॉर्टेंट बनेगा कोलम्बो द कैपिटल ऑफ श्रीलंका में ये ऑर्गेनाइज हुआ था समर एयर डिफेंस मिसाइल समर एयर डिफेंस मिसाइल ने रिसे, रिसेंटली अपना डेब्यूट दिखाया कहाँ पे वायुशक्ति एक्सरसाइज जो जैसलमर राजस्थान में हुआ था ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल है लिंगोसेट प्रॉब लिंगोसेट प्रॉप क्या है देन ये वर्ल्ड का फर्स्ट उडन सैटेलाइट है कौन लॉन्च किया है देन नासा एंड जापान का स्पेस एजेंसी जाक्सा दैट इज जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है वर्ल्ड का फर्स्ट उडन सैटेलाइट नेम क्या है लिंगोसेट प्रॉप नेम आप लोग याद रखना इंपॉर्टेंट बनेगा टेन परसेंट ऑफ रिजर्वेशन इज़ बींग एक्सटेंडेड टू दी मराठा कम्युनिटी इन एजुकेशन एंड गवर्मेंट जॉब्स इन महाराष्ट्र अप्रूवड बिल ये बिल रिसेंटली पास हो गया है टेन परसेंट रिजर्वेशन किसको दिया गया है दैन मराठा कम्युनिटी को मराठा कम्युनिटी कहाँ से बिलोंग करते इस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं दैन महाराष्ट्र विल भी दी करेक्ट आंसर रिसेंटली इनको टेन परसेंट रिजर्वेशन दिया गया है इन एजुकेशन एंड गवर्नमेंट जॉ जॉब सेक्टर इन महाराष्ट्र फर्स्ट स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स ये स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स किसने लॉन्च uh, किया है या तो फिर एस्टेब्लिश किया है देन अरुणाचल प्रदेश ने एम साइन किया है विथ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन ऑथॉरिटी एस्टेब्लिश करने के लिए अपना फर्स्ट स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ है अरुणाचल प्रदेश आप लोग याद रखना विथ साइन बाय एन एम यू विथ कोलाबोशन विध एन टी सी ए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ये क्यों इस्टेब्लिश uh, हुआ है देन टू एनहेंस कंजर्वेशन एफर्ट्स एंड प्रोटेक्ट टाइगर टाइगर पॉपुलेशन विद इन द स्टेट साइबर क्राइम रिपोर्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री रिलीज हुआ है इंडिया का रैंक कितना है देन एटी इज द रैंक ऑफ इंडिया मैदरम जथर ये क्या है ये लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल है दो बार हेल्ड uh, होता है साल में कहाँ पर देन तेलंगाना इंडिया में तो इस तरीके का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि मेदरम जथरा कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है या तो फिर ये क्या है देन ये लार्जेस्ट ट्राइवल फेस्टिवल है सेलिब्रेटेड इन तेलंगाना इंडिया मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 थाउजेंड ट्वेंटी फोर कहाँ पर हल हुआ देन बर्सेलोना स्पेन में इस बार का मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस हुआ देन मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज शांति प्रयास फोर कहाँ पर हुआ देन काठमांडू में हुआ ये मल्टी एक्सरसाइज है शांति प्रयास फोर खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 कहाँ पे हुआ इस बार देन ले एंड गुलमर्ग में हुआ एंड इस बार जीता कौन देन आर्मी ने जीता है विथ टेन गोल्ड मेडल्स वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2024 अभी इंपॉर्टेंट डेज एंड उनके थीम्स प्लस डेट्स याद रखते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है सेकेंड ऑफ फेबररी को हर साल ये हम सभी को पता है आफ्टर 1972 रामसर साइट कन्वेंशन ये इस बार का थीम था वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग टोटल वेट अभी इंडिया में कितने हैं देन एट्टी है पिछले साल सेवेंटी थे अभी टोटल और फाइव रामसर साइट्स ऐड करके एट्टी हो गए हैं ये देखिए ये फाइव रामसर साइट्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है तो हाईएस्ट कहाँ पे है देन तमिलनाडु में है हाईएस्ट रामसर साइट्स दैट इज सिक्सटीन नेशनल वुमेंस डे ये कब सेलिब्रेट किया जाता है देन फेबररी थर्टीन टू ये इस बार का नेशनल वुमेंस डे फेबर थर्टीन में हर साल सेलिब्रेट किया जाता है किस वजह से देन सरोजनी नायडू जी का बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जाता है इस बार इनका वन बर्थ एनिवर्सरी था ये सरोजनी नायडू जी को नाइट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है ये क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग याद रखना वर्ल्ड पल्सेस डे वर्ल्ड पल्सेस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है देन फेबर टेन को सेलिब्रेट किया जाता है इस बार का थीम क्या था पल्सेस नरिशिंग सॉयल्स एंड पीपल वर्ल्ड रेडियो डे कब सेलिब्रेट किया जाता है फेबररी थर्टीन को सेलिब्रेट किया जाता है इस बार का थीम क्या था रेडियो ए सेंचुरी इन्फॉर्मिंग एंटरटेनिंग एंड एजुकेटिंग नेशनल साइंस डे फेबर ट्वेंटी एट को सेलिब्रेट किया जाता है किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है बिकॉज इस दिन सी वी रमन जी ने नाइनटीन ट्वेंटी एट को रिमार्केबल डिस्कवरी किया था रमन इफेक्ट का बहुत लोग सोचते हैं सी वी रमन जी के बर्थडे में सेलिब्रेट किया जाता है बट नो रमन इफेक्ट का डिस्कवरी किया था इंडियन साइंटिस्ट सी वी रमन जी ने Uh, उस दिन को 1928 को सेलिब्रेट किया जाता है और फेबर 28 रमन इफेक्ट की वजह से इनको 1930 में नोबल प्राइज़ भी मिला फिजिक्स में इस डिस्कवरी के वजह से इस बार का जो थीम था वो था इंडिजिनियस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत विथ दिस वी कंक्लूड आवर सेशन हियर होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा हम लोगों ने सभी एस्पेक्ट्स को टच कर लिया है एंड कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए देन प्लीज़ डू कमेंट एंड थैंक यू